मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचार रखिए और आज के मुख्य समाचार। चमकते सितारा नदीम का मिस्री एल्बम लॉन्च, जिले भर में नौनिहालों को पिलाई पोलिया की दवा। गुजरात की राह फिर जिले में आया टिड्डी दल, पशु शिविर में 1560 पशुओं का किया उपचार। फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली का आयोजन, चिकित्सा अधिकारी ने किया आकस्मिक निरीक्षण। सड़क पर अतिक्रमण, प्रशासन मौन, मारपीट कर युवक की हत्या, मामला दर्ज। अब समाचार विस्तार से। चमकते सितारा नदीम का मिस्री एल्बम लॉन्च। जनसमय कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार फिल्मी व मारवाड़ी एल्बम की दुनिया में जालौर के चमकते सितारे नदीम सिलावट का नया एल्बम मिस्री लॉन्च हुआ है। इससे पहले अपनी बहन गजाला सिलावट को देखकर नदीम ने भी सॉन्ग को बनाना, गाना व कंपोज करना शुरू कर दिया, जिसके क्रम में नदीम ने हरियाला बन्ना जैसा सुपर हिट एल्बम भी बनाया जो दर्शकों को बहुत भाया। इसके बाद मिश्री लॉन्च हुआ जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। जिले भर में नौनिहालों को पिलाई पोलियो की दवा। रविवार को प्लस पोलियो अभियान के तहत जालो जिले भर में नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाई गई। भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार सायला उपखंड क्षेत्र के सायला उप स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को प्लस पोलियो का अभियान चलाया गया, जिसमें सायला के BCMO रघुरतन बिश्नोई ने बताया सायला क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी व सब सेंटर पर पोलियो पिलाया जाएगा, जिनमें जन्म से 5 वर्ष तक बच्चों को पोलियो पिलाया जाएगा व दूसरे दिन घर घर व ढाणी ढाणी में जाकर पोलियो की दवा की जाएगी। वहीं भाद्राजन से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के प्रत्येक गांव में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र पर पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई, जिसमें क्षेत्र के नौरवा, रामा, किशनगढ़, बाला, गाना, बोरडा समेत गांवों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसी प्रकार सुंधा माता से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार नौनिहालों ने प्लस पोलियो की खुराक गटकी। कस्बे में रविवार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सब सेंटरों पर नौनिहालों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस दौरान चाटपुरा, बिल्लड़, चित्रोड़ी सहित गांवों में विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों व सब सेंटर पर पोलियो अभियान चलाया गया, जिसमें चिकित्सा अध्यापकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। वहीं कार्यक्रम में पुष्पा देवी व कमला देवी सहित कई जने उपस्थित थे। गुजरात की राह फिर जिले में आया टिड्डी दल। चितलवाना से हनुमान सुथार की रिपोर्ट के अनुसार जिले में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। गुजरात की सीमा से होते हुए रणखार होते हुए कुकड़िया, रिड़का, खेजड़ियाली गांव में टिड्डी दल ने किसानों की फसल को चट कर दिया है। जानकारी के अनुसार टिड्डी दल ने खेजड़ियाली गांव में अंतिम पड़ाव डाला। वहीं टिड्डी दल पहुंचने के बाद, सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, साथ ही वन मंत्री सुखराम बिश्नोई भी टिड्डी को लेकर नेहर क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां टिड्डी पर स्प्रे छिड़काव किया जा रहा है। पशु शिविर में 1560 पशुओं का हुआ उपचार। बाकरा गांव से नाग सिंह बैरठ की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में जैन संघ भवरी बाई सालेजा के तत्वावधान में निशुल्क पशु शल्य चिकित्सा व बांझपन निवारण शिविर का आयोजन मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य रमेश कुमार राव व संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओंकार लाल पाटीदार की उपस्थिति में किया गया। शिविर में प्रथम दिन काफी संख्या में पशुओं का इलाज किया गया। वहीं कुल 1560 पशुओं का उपचार किया, जिसमें 1500 भेड़ बकरियों का टीकाकरण, 25 गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान, 3 शल्य चिकित्सा व 30 कुत्तों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर शिविर प्रभारी डॉक्टर जयंत तुपेरे, डॉक्टर मोहम्मद नूर, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, राधेश्याम, जितेंद्र सिंह, सर्जन डॉक्टर राव साहेब भोसले, कांतिलाल जैन, मांगीलाल जैन सहित ग्रामीणों की मौजूदगी रही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर।
साथ साइकिल रैली का आयोजन। प्रयाग चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय जालमपुरा जीवाणा में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केंद्र जालोर के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी से 19 जनवरी तक युवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता अभियान, निबंध प्रतियोगिता, सामाजिक सहभागिता, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रभात फेरी आदि विविध प्रकार के शारीरिक, मानसिक सहित समग्र विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं। रैली में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। चिकित्सा अधिकारी ने किया आकस्मिक निरीक्षण। सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट के अनुसार बालराजन कस्बे के एक निजी अस्पताल का डिप्टी CMHO SK चौहान ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चौहान ने आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं डिप्टी CMHO ने प्राप्त जानकारी से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से कुशल से पूछते हुए जानकारी ली कि आप अस्पताल द्वारा योजना के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सेवम अस्पताल के संचालक मनोहर पटेल, हरफुल गिंटाड़ा समेत अस्पताल के चिकित्सक मौजूद थे। सड़क पर अतिक्रमण प्रशासन मौन। मोहनलाल कड़वासरा की रिपोर्ट के अनुसार चितलवाना क्षेत्र के वेड़िया चौराहे पर भारत माला सड़क निर्माण के चलते वेड़िया में डामर सड़क पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताकर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट कर युवक की हत्या, मामला दर्ज। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के निकटवर्ती कलापुरा गांव में मारपीट कर युवक की हत्या को लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। थाना अधिकारी साबिर मोहम्मद ने बताया कि कलापुरा गांव निवासी शारदा पुत्र चुनारा मेघवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि परिवार सहित अपने भाई के घर पर अलाव ताप रही थी। इस दरमियान मेरे छोटे भाई ईश्वर ने बड़े भाई की पत्नी सुखी को बाहों में पकड़ लिया। भाभी को छुड़वाने के लिए बड़े भाई रमेश कुमार ने ईश्वर के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान ईश्वर की मौत हो गई। घटना की जानकारी जसवंतपुरा पुलिस थाने में दी गई। सूचना पर थाना अधिकारी साबिर मोहम्मद में जाब्ता आकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।